मैम हमें इन्हें कुछ रूटीन टेस्ट के लिए लेकर जाना होगा। आखिर अंश रूप ने अपने साक्षात रूप के दर्शन कर ही लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मां। जो खुशी आपने मुझे दी है वो बहुमूल्य है। परम लक्ष्मी भक्त के हाथों में स्वयं लक्ष्मी का अवतार, ये दृश्य अत्यंत बहुमूल्य है सविता। और आज मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता भी हो रही। धन्यवाद मां, मेरी सालों की भक्ति का फल मिला है मुझे आज। किंतु ये स्मरण रहे, जब एक फल प्राप्त होता है तो दूसरी परीक्षा भी आरंभ हो जाती है। किंतु अपनी इस प्रसन्नता में कहीं अपने उद्देश्य को मत भूल जाना। जो उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपा गया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने अंश अवतार में तुम्हारे घर में जन्म लिया है, इसके पीछे भी एक बड़ा उद्देश्य है। मेरे इस बात का सदैव स्मरण रहे सविता, मेरा अंश अवतार किन्हीं अनुचित हाथों में कदापि नहीं जाना चाहिए। तुम्हें संपूर्ण जीवन पूरी निष्ठा से इस दायित्व को निभाना है और अब इसकी रक्षा ही तुम्हारे जीवन का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। माया, अरे यार ऐसी दवाई ले ली थी कि आग भी नहीं खुल रही है यार। माया, अरे यार कहाँ चली गई माया? टाइम क्या हुआ है? मम्मी के इतने सारे मिस कॉल्स, ऐसा क्या काम था? मम्मी फोन उठाओ, माया को ट्राई करता हूं। अरे ना मम्मी फोन उठा रही है ना माया फोन उठा रही है, कहां पर हो यार तुम लोग? माया, मम्मी, अदिति, अरे यार घर में कोई है कि नहीं? अरे क्या करती हो अदिति, एक दिन के लिए गई थी, इतना लगेज लेके जाना जरूरी था क्या? अरे सासू मां इंतजार कर रही होगी, जल्दी जाना है मुझे। अरे भतीजी मुझे हुई है और एक्साइटेड आप हो रहे हो। अरे मैं भी तो फूफा बनाऊं, देखो नाम में कितना फन है, फूफा। बच्ची भी मेरे फैन हो जाएगी, फूफा। क्या हुआ? उस दिन के लिए बुरा लग रहा है मुझे, आपने निशान के सामने खुद को मेरा असिस्टेंट बताया, मुझे रोकना चाहिए था, मैंने गलत किया। मैं अभी के अभी निशान को फोन करके बोल दूंगी कि आप मेरे असिस्टेंट नहीं हो, आप मेरे पति हो। अरे अदिति क्या कर रही हो? नहीं मुझे बताने दो ना। अब नहीं बता सकती, देखा नहीं उस दिन क्या बोला था निशांत ने? वाह अदिति, तुमने सब कुछ कितना अच्छे से सेटअप किया है, आई एम रियली इंप्रेस्ड। वरना लोग तो बस कोचिंग के नाम पर चार चेयर्स और एक बोर्ड लगा देते हैं, लेकिन तुमने तुमने सब कुछ कितना बढ़िया किया, जेन्युइनली आई रियली लाइक इट। और तो और तुम्हारे पास तो एक तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट भी है। दिस शोज कि तुम अपने काम को लेके कितनी ज्यादा सीरियस हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कितना इंप्रेस है तुमसे, कितना ट्रस्ट करता है। अगर तुम उसको बोल दोगे कि ये मेरा असिस्टेंट नहीं पति है तो तुम पे ट्रस्ट करेगा, और जहां ट्रस्ट नहीं है वहां इन्वेस्ट कैसे करेगा? लेकिन अदिति कोचिंग के बिजनेस को आगे बढ़ाना है ना तुमको, तो इतना तो करना होगा। अदिति तुम्हारा सपना है बिजनेस बढ़ाने का, सब खराब हो जाएगा। लेकिन हमें उसे सच तो बताना पड़ेगा ना। अरे तो बता देंगे, जब वो कोचिंग सेंटर में इन्वेस्ट कर देगा उसके बाद बता देंगे। तुम्हारे लिए
तुम्हारे सपनों के लिए, इतना तो कर ही सकता हूँ। वो तो है, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो शायद मैं नहीं कर पाती, लेकिन हाँ आप इस दुनिया के सबसे स्वीट और सबसे हैंडसम हस्बैंड हो। मेरे लिए कुछ करना चाहती हो? हाँ। तो एक काम है, कर दो। क्या? एक मिनट, ये लगेज पकड़ो, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे अरे सुनो, अरे सुनो ना, ये भी मम्मी, अदिति, रोहित। अरे थैंक गॉड पापा, आपने तो बात सुन ली। माया, मम्मी, अदिति, सबको आवाज लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं सुन रहा है। ऐसी हालत में सब छोड़कर चले गए, कहाँ पर गई है मुझे? रोहित चुप कर। अरे माया तेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा लेने गई है। अरे ऐसी हालत में तोहफा लेने के लिए? हाँ? कभी भी माँ बन सकती है और तू बाप। अरे बाप मतलब माया लेबर है। अरे चले, अरे वैभव सुना तूने, तू चाचू बनने वाला है। कांग्रेचुलेशंस भैया। अरे अरे तू इसको क्या बधाई दे रहा है, तू इसको बधाई दे। ये तो बाप बनेगा तब बनेगा, पर वैभव तो बाप बन चुका है। श्रेया को बेटी हुई है, बेटी। हमारे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब मैं बड़े पापा बन गया। मैं पापा बन गया। मैं पापा बन गया। मैं बड़े पापा। अरे मैं दादा बन गया। दादा लगता है जिंदगी में मेरी प्रमोशन हो गई। अरे पापा अभी आप डबल दादा बनने वाले हैं। अरे मुझे भी बधाई दो आप लोग, मैं फूफा बन गया। अरे दामाद जी, अरे आप कब आए? जब सुना ना दौड़ते दौड़ते ससुराल से आ गया। जीजे ये ससुराल है आपका। अरे साले साहब, अब यही घर लगता है वो ससुराल। अरे मैं कहता हूँ जल्दी चलो, बेबी थोड़ी आएगा फूफा से मिलने, हमको जाना पड़ेगा वहाँ। हाँ। चलते चलते कहीं ये ना बात बन जाए। चलो 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 चलो, आप लोग तैयार हो जाइए, मैं कैब बुला लेता हूँ। हाँ, हाँ, मैं तैयार हो गया। हाँ, पापा पापा मैं क्या करूँ? कब? अरे मेरे कपड़े, मेरे कपड़े। अभी आप बच्चे को यहाँ पे रख सकते हो। नहीं ठीक है, मेरी बच्ची कितना कुछ सहा तूने, पता नहीं कौन तेरे पीछे पड़ा था, क्या चाहिए था उन्हें, दो बार कोशिश की उन्होंने। हाँ मम्मी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि उन लोग मेरे पीछे क्यों पड़े थे, पर अच्छी बात यह है कि मैं खुद को और अपने बच्ची को उन गुंडों से बचा पाई। मम्मी ऐसा लग रहा था कि हर पल कोई शक्ति थी मेरे साथ। थी ना, लक्ष्मी माँ ही तो तेरे साथ थी। मुझे पता था माँ तेरी रक्षा जरूर करेंगी। अच्छा मम्मी, माया भाभी कैसी है अभी? लो ये आ गए, इन्हीं से पूछते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बहू को बेटी हुई है। सच? अरे वाह, बेटी हुई है। सुना तूने, तेरी बहन आई है। लक्ष्मी माँ का लाख लाख शुक्र है। माया कैसी है? हाँ वो ठीक है, पर बेहोश है। जय, मैं ना माया से मिल के आती हूँ, और अपनी दूसरी पोती से भी। हा? डॉक्टर, क्या मैं माया और अपनी पोती से मिल सकती हूँ? वो क्या है ना कि आई एम सॉरी, एक बुरी खबर है। क्या हुआ डॉक्टर? डिलीवरी के बाद बच्ची ठीक थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई। बोल रही आप? वो बच्चे के हाथ में प्रॉब्लम थी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। माया, माया बेटा,
मम्मी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कैसा दिखता है? मम्मी दिखाइए ना। मम्मी तुम्हारी बच्ची, मुझे बेटी हुई है। मुझे हमेशा से बेटी ही चाहिए थी। मेरे बच्चे माया, ये तुम्हारी बच्ची नहीं। और बॉय ले चलिए। मम्मी, सच जान के माया भाभी का दिल टूट जाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ श्रेया, सब मेरी वजह से हुआ। माया को हमेशा लगता था कि मैंने उसका ध्यान नहीं रखा, मैं उसके पहले बच्चे को भी नहीं बचा पाई। और अब ये, और जब रोहित आएगा तो कैसे बताऊंगी कि उसका दूसरा बच्चा भी वो टूट जाएगा श्रेया। हे माँ, मेरी बच्ची के साथ ऐसे क्यों किया माँ? ये भी हद है। बच्चे आने की खबर क्या सुनी, खुद बच्चे बन गए। अंदर भाग गया, ये सारा सामान मुझे अकेला उठाना पड़ेगा। अकेले का मैं हूं ना। निशान, तुम? और तुम भूल गई, आज तक कभी कॉलेज से भी तुम्हें अकेले आने दिया है मैंने, तो अब क्यों? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, मैं नहीं आ सकता हूँ क्या? और वैसे भी मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना था, क्योंकि तुम तो मुझे मिलवा नहीं रही हो, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाता हूँ। अगर तुम उसको बोल दोगे कि ये मेरा असिस्टेंट नहीं पति है, तो तुम पे ट्रस्ट करेगा, और जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ इन्वेस्ट कैसे करेगा? ठीक किया ना। और सुनो अदिति, मुझे ना तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी थी। क्या हुआ अदिति, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? मैं नर्वस नहीं तो। अदिति, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, कुछ तो बात है। एंड तुम्हें पता है, अगर मेरी शादी हो जाती ना, तो अभी तक तुम्हें 10 बार अपनी वाइफ से मिलवा चुका होता मैं। इनफैक्ट डिनर पे भी ले जाता साथ में, और तुम्हें देखो मिलवा ही नहीं रही हो मुझे। अरे जल्दी करिए, कहवाने वाली होगी। हेलो सर। ठीक है अदिति, ये तो वही है ना तुम्हारे असिस्टेंट, है ना? राइट। हाँ। जी जी, मैडम का असिस्टेंट। हाँ तो मिस्टर असिस्टेंट, एक काम करो, पहले तो ये पकड़ो और जाकर मैडम के हस्बैंड को बुलाकर लेकर आओ। अरे जरा हम भी तो देखें कि ऐसा कौन सा हीरा है जो मैडम ने दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा हुआ है। जाओ जल्दी से जाकर बुला कर लाओ। वो तो घर पे नहीं है। हाँ नहीं है यार। क्या आदिति, जब भी मैं आता हूं तो घर पर नहीं है, यहां पर नहीं है, वहां पर नहीं है। अरे निशांत। नमस्ते अंकल। अरे जीत रहे बेटा। हाय भैया। और वैभव। निशांत दस माटी। अरे ये कहां से आ गए? इन्होंने निशांत दस माटी को बातों बातों में बता दिया कि मैं अदिति का पति हूं, तो मसला हो जाएगा। ये कभी अदिति के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। अरे कॉलेज में इसे सब स्मार्टी बुलाते थे, पर एक बात बोलू, तू तो स्मार्टी से भी ज्यादा स्मार्ट हो गया अभी। अरे मिलेगी नहीं, निशांत अदिति के साथ कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ा करता था, दोनों जम के मस्ती किया करते थे और जम के साथ में पढ़ाई भी किया करते थे। दोनों के बीच में ना बहुत कंपटीशन लगता था कि कौन टॉप पर आएगा, कौन टॉप पर आएगा। एकदम टक्कर देता था अदिति को ये। जीजे
ये गाना जुबान पे चढ़ गया, रेडियो में सुना था ना, तो सुबह से चढ़ा हुआ। चलिए ना, हम लोग लेट नहीं हो रहे हॉस्पिटल। अच्छा हाँ दोस्त, आज थोड़ी जल्दी में, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, आराम से बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। लेट हो जाएगा, चलिए चले। वैभव देखना टैक्सी अब तक क्यों नहीं आई। जी 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 पापा। हाँ निशांत, वो एक्चुअली ना हम सबको हॉस्पिटल जाना है, वैभव को बेटी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वैभव, आई डिडंट नो दैट। और आप सब लोग कैब का क्यों वेट कर रहे हो जब मैं यहाँ पर हूँ? एक काम करो, आप लोग मेरी कार लेकर जाओ, मेरी कार बाहर खड़ी है, ड्राइवर वेट कर रहा है, वो आप सब लोगों को छोड़ देगा। एंड प्लीज यू गाइस हैव टू अग्री फॉर दिस। आदिति, मुझे तुमसे भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम्हारे पास 5 मिनट होंगे मेरे लिए? ठीक है। तो भैया पापा आप सब जाइए, मैं आती हूँ बाद में। हाँ चलो 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 चलो। थैंक यू फॉर द कार। रोहित आएगा तो क्या कहूंगी मैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसे कुछ बताने की। ऐसा क्यों किया माँ, एक माँ होकर एक माँ के साथ ऐसा क्यों किया? माँ, लक्ष्मी माँ, सविता, माँ ये क्या हो गया माँ? माँ के बच्चे ने अभी तक ठीक से आंख भी नहीं खोली थी इस दुनिया में, उस नन्हे से शिशु का क्या दोष था माँ? क्यों उसे हमसे छीन लिया माँ? क्यों ऐसा हुआ? मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ सविता, मनुष्य का केवल शरीर मिटता है किंतु उसकी आत्मा अजर अमर होती है। वह तो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार केवल शरीर बदलती है। सविता तुम्हें पीड़ा इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम उस शरीर को अपना मान बैठी, किंतु उस मनुष्य की आत्मा तो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। उसने तो अपने कर्मों के भुगतान के लिए उस शरीर को धारण किया और जैसे उसके कर्म पूर्ण हो गए उसने उस शरीर को त्याग दिया। सविता माया के भाग्य में यही है, उसका उस शिशु के साथ जो कर्म शेष रह गया था उसे इसी प्रकार से पूर्ण होना था। माया को इस दुख से लड़ना भी स्वयं होगा और उभरना भी स्वयं ही होगा और यही उसकी नियति है। मम्मी किधर है आप? माया को होश है, अभी तक तो नहीं आया लेकिन थोड़ी देर में होश आ जाएगा। मम्मी रोहित भाई और बाकी सब आने ही वाले होंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। कहाँ है आप, प्लीज जल्दी आइए। मम्मी आप ठीक है ना? एक तरफ तेरे बच्चे के आने की खुशी है और दूसरी तरफ माया ने अपना बच्चा खो दिया। मुझसे माया का हाल नहीं देखा जाएगा, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा जब माया को इसके बारे में पता चलेगा। मम्मी हम है ना उनके साथ, फैमिली इसलिए तो होती है, खुशी में गम में हर वक्त में उनके साथ खड़े रहे। मम्मी हम मिलके बताएंगे उन्हें, हम मिलके संभालेंगे उन्हें। चलिए
माया तो श्रेया के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। हर पल में हो शुभ नाम, शुभ नाम, शुभ नाम।